हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में देखिए, बात करने वाले हैं कृष्णा डायग्नोस्टिक से रिलेटेड। और इस वीडियो में कृष्णा डायग्नोस्टिक से पहले भी हमने एक बार वीडियो बनाई है और उसी रेंज के आसपास वो शेयर चल भी रहा है। और इस शेयर को बताने के पीछे का मकसद क्या है, इस शेयर को बताने का पीछे मकसद ये है कि विद इन अ वीक ये शेयर आपको 10-15% के रिटर्न इजीली दे सकता है। तो इस शेयर की तरफ नजरें बना के रखना, क्यों रखना उसके पीछे का रीजन है मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल, जो आपका खुद का चैनल है इन्वेस्ट फॉरएवर, इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि इस तरह की वीडियो मिलती रहे। दो वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है, वेरियंट ऑर्गेनिक आपको देखिए 1300 के लेवल पे, 1350 के लेवल पे बताया था, आज वो 1600 रुपए के आसपास चल रहा है और यहाँ पर 2500 तक जाएगा और डेफिनेटली जाएगा। और यहाँ पर लिखवा के ले लीजिए। बाकी HDFC AMC पे नजर रखिए, थोड़ा बहुत टाइम और जा रहा है, ये शेयर यहाँ गोली होने वाला है। क्यों होने वाला है इस वीडियो देखो, देख लीजिए पता चल जाएगी। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करनी है, प्ले लिस्ट को गो थ्रू करना है, दूसरे वीडियोज को जाना है, देखना है, लाइक करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, दूसरे लोगों के साथ शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हमारा भी एक तरीके से सपोर्ट हो सके। बाकी आपको कोई भी क्वेरीज है तो कमेंट करिए। और आपको अगर हमारी पेड सर्विस चाहिए तो यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज से स्टॉक्स बताया जाए, यहाँ पर इसके लिए आप यहाँ पर इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें कांटेक्ट करिए। आपको स्टॉक्स बहुत नॉर्मल चार्जेस पे बताए जाएंगे, जो कि अच्छे लेवल पर आप लेंगे तो आपको शॉर्ट टर्म में बेहतरीन पैसा बनता हुआ नजर आएगा। तो आइए वीडियो में चलते हैं। देखिए यहाँ पर बताने का मकसद क्या होता है, ये होता है कि आप ऊपर लेवल पर ना फंसे, आप नीचे लेवल पर खरीदे, इसलिए हम यहाँ पर आपको ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं इस नंबर के थ्रू कि आप शेयर बेहतरीन लेवल पर दे सके। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कृष्णा डायग्नोस्टिक करती क्या। तो देखिए यहाँ पर साउथ इंडिया की ऐसी लेबोरेटरी चेन है, डायग्नोस्टिक चेन है, जो कि यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर काम करती हुई नजर आती है। और यहाँ पर अगर एक बार इनकी वेबसाइट पर जाते हैं ओके, तो आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर पता चलती हुई यहाँ पर दिखाई देगी। इसके अलावा यहाँ पर वो देख लेते हैं ओपन होने पर, बट अभी हम देखें तो देखिये मार्केट कैप स्मॉल कैप कंपनी है, ऐसी स्मॉल कैप कंपनी ना 6 से 7 महीने के अंदर अंदर भागना शुरू कर देती है। याद रखिएगा, पैसा डबल होता हुआ नजर आता है यहाँ से। इसके अलावा डेट की बात करें, 100% डेट है यहाँ पर, 100% का डेट है। आरओसी काफी बेहतरीन है, आरओई काफी बेहतरीन है। पी रेशो की बात करें, 12 का पी पे यहाँ पर कंपनी काम कर रही है, काफी सस्ते पे मिल रही है। फेस वैल्यू 5 की फेस वैल्यू है। एज वेल एज यहाँ पर अगर हम बात करें, जब से ये शेयर यहाँ पर लिस्ट हुआ है 1-1.5 महीने हो गए, तब से गिरता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर अगर हम यहाँ पर कुछ और चीजें देखें तो यहाँ पर देखिए डॉक्टर लाल पैथ लैब, तो यहाँ पर इसका पी 79 है। इसके अलावा मैं एक बार थायरो केयर का भी देख लेते हैं तो एक हमें आइडिया नजर आएगा। तो देखिए थायरो केयर का पी 37 है। इसके अलावा विजय डायग्नोस्टिक का देख लेते हैं, विजय डायग्नोस्टिक का अगर हम देखते हैं तो देखिए इसका 66 है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कृष्णा का, तो कृष्णा देखिए 100% डेट है, इसके ऊपर एक नेगेटिव पॉइंट है, बट अगर देखें पी सब यहाँ पर अगर देखा जाए, इसका सबसे सस्ती कंपनी यहाँ पर नजर आती है। और यहाँ पर आप इस कंपनी के बारे में बहुत सारी चीजें देखिए, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, क्वालिटी सर्विसेज टू द कस्टमर, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज, और यहाँ पर क्या क्या रेडियोलॉजी से कंपनी रिलेटेड काम करती हुई नजर आती है। अवार्ड यहाँ पर देख लीजिए 2020 में मिलते हुए नजर आए हैं। यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें देखिए, एक्सप्लोर पैथोलॉजी, टेले रेडियोलॉजी, आर सेंटर्स, यहाँ पर रेडियोलॉजी से रिलेटेड कंपनी काम करती है। और ये जो कंपनी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यहाँ पर ये सारी कंपनी आपको साउथ इंडिया में दिखाई देगी। एक बार आर सेंटर्स पे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये कंपनी कहाँ कहाँ दिखाई देती है। देखिए 1364 रेडियोलॉजी डायग्नोस्टिक सेंटर है, 465 पैथोलॉजी सेंटर्स यहाँ पर दे रखे हैं। यहाँ पर देखिए 23 मिलियन पेशेंट्स सिंस इंसेप्शन यहाँ पर देखिए, और 60+ सीटी स्कैन्स है, 25+ यहाँ पर एमआरआई सेंटर्स है, 464 पैथोलॉजी लैब्स है, 850 एक्सरे मशीन है। और यहाँ पर कंडक्टेड ओवरऑल की बात करें, 9 लाख के ओवर यहाँ पर COVID-19 RT-PCR टेस्ट ये कंपनी करती हुई नजर आती है। तो कंपनी काफी वाइड रेंज में यहाँ पर अब अच्छी खासी काम करती हुई नजर आती है। रेडियोलॉजी यहाँ पर देख सकते हैं, सीटी स्कैन, एमआरआई, अदर्स पैथोलॉजी, टेरे रेडियोलॉजी, तो यहाँ पर कंपनी अच्छा खासा काम करती हुई नजर आ रही है। इनका प्रेजेंस की बात
करें तो यहाँ पर एक बार प्रेजेंस में यहाँ पर नीचे चले जाते हैं तो यहाँ पर पता चलेगा। तो देखिए नॉर्थ साउथ इंडिया में ही नहीं है, पूरे इंडिया में ही यहाँ पर काम करती हुई नजर आ रही है। देखिए जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, यहाँ पर आसाम, इसके बाद मणिपुर, मेघालय, यहाँ पर उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो पूरे इंडिया में मोस्टली सभी स्टेट्स में ये कंपनी काम करती हुई नजर आ रही है, कुछ दो तीन स्टेट्स को छोड़ के। तो कंपनी अच्छी खासी है, कोई इसमें डाउट वाली बात नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर देखते हैं कुछ और इसकी बात, तो यहाँ पर देखिए प्रॉफिट प्रॉफिट देखेंगे तो 2016 से लेकर अभी तक कंपनी कंसिस्टेंट ग्रोथ कर रही है। और ऐसी बात नहीं है कि अभी कोविड में यहाँ पर काम किया है, कोविड से पहले भी देखिए यहाँ पर 147 से 258 करोड़ क्या क्या बढ़ता हुआ नजर आया है। तो कंपनी जिस तरीके से एक्सपेंड हो रही है और जिस तरीके से अपनी जनसंख्या अपने भारत में, तो देखिए ये कंपनियां अच्छे खासे यहाँ पर रिटर्न देती हुई नजर आएगी। नेट प्रॉफिट नेगेटिव यहाँ पर थे -8 करोड़, अभी देखे तो 185 करोड़ का प्रॉफिट है। कंपनी ने पहले यहाँ पर एक्सपेंसिस को ज्यादा खर्चे करते हुए दिखाई दिया, अब यहाँ पर खर्चों में थोड़ी लगाम लगाती हुई दिखाई दी है। बट यहाँ पर अदर इनकम भी ज्यादा है, इस वजह से यहाँ पर प्रॉफिट ज्यादा दिखा रहा है। बट धीरे धीरे कंपनी अच्छा खासा यहाँ पर परफॉर्म करती हुई नजर आएगी। एक बार SAS अच्छी खासी हो जाए ना, तो एक्सपेंस कंपनी कभी ना कभी यहाँ पर कंट्रोल कर लेती है, और एक बार कंट्रोल करेगी तो ऑब्वियसली बात है अच्छे खासे रिटर्न मिलेंगे। रिजर्व्स यहाँ पर नेगेटिव में थे 217 करोड़, जो कि अभी 200 करोड़ पे करने के बाद कंपनी यहाँ पर 17 करोड़ रह गई है, तो काफी बेहतरीन बात है। बट डेट की बात करें तो कंपनी के पास अभी भी 232 करोड़ का डेट है, और 232 करोड़ के डेट की वजह से इंटरेस्ट की बात करें तो 25 करोड़ 26 करोड़ यहाँ डेट चले जा इंटरेस्ट चले जाता है, जो कि यहाँ पर अच्छी बात नहीं होती। CWIP में अगर बात करें वर्किंग प्रोग्रेस में 4 करोड़ रुपए है। यहाँ पर कैश की बात करें 153 रुपए का कैश भी है, जो भी पैसा आता है इनकी बुक में दिखाई देता है। ROE यहाँ पर देखिए 7% थी फिर लास्ट ईयर -65%, अभी की बात करें 129%। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हमें देख लेना चाहिए। कृष्णा डायग्नोस्टिक एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न इस तरीके से आप भी यहां पर जब नहीं दिया होता तो यहां पर ढूंढ सकते हैं, तो आपको यहाँ पर एक आइडिया लग जाएगा। यहाँ पर देखिए प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पर इतनी दे रखी है, इस तरीके से यहाँ पर आपको एक आइडिया लगता हुआ नजर आएगा। देखिए सॉरी, तो प्रमोटर्स की होल्डिंग देखिए यहाँ पर 27% है, FIs यहाँ पर है 8%, यहाँ पर म्यूचुअल फंड 9%, अदर्स की बात करें 27%, जनरल की बात करें 17%, फाइनेंशियल्स की बात करें यहाँ पर 9%। तो सबके पास अच्छी खासी होल्डिंग है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। इसके अलावा हम देखें कृष्णा डायग्नोस्टिक, तो यहाँ पर कुछ चीजें दिखाऊंगा, लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, देखिए 1100 रुपए पे शेयर था लगभग 16 अगस्त को, उसके बाद से अच्छी खासी गिरावट है, 750 रुपीज तक ये शेयर आता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर अगर देखिए आज की डेट में 51% की यहाँ पर डिलीवरीज उठाई गई है। और यहाँ पर और भी कुछ कंपनी इंफॉर्मेशन में देखे तो यहाँ पर डेट की बात करें तो कंपनी के ऊपर कोई डेट है, बट यहाँ पर अगर बात करें एक चीज और, तो यहाँ पर देखिए मेन चीज यहाँ पर 11 तारीख को फाइनेंशियल रिजल्ट है इसके, जो कि मैं आपको यहाँ पर भी दिखा देता हूँ एक बार। तो यहाँ पर आप देखेंगे कृष्णा, तो 11 अक्टूबर को इसके फाइनेंशियल रिजल्ट है। और यहाँ पर अगर मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूँ ना, तो ये शेयर लगभग 30% गिर चुका है, और 30% कोई भी बेहतरीन शेयर जहाँ अच्छी खासी ग्रोथ नजर आ रही हो वो गिरता हुआ नजर आया ना। और यहाँ पर देखिए कोविड के ड्यूरिंग दैट पीरियड जो ये है था, अभी भी केसेस थे, और यहाँ पर अच्छा खासा इन कंपनी ने बिजनेस किया है, नो डाउट। ओके, कंपनी यहाँ पर प्रॉफिट में होगी, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर देखते हैं 30% गिर चुका है, लगभग 44% यहाँ पर जब ये भागेगा अपने ऑल टाइम हाई के पास, तो अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। दूसरी बात, 19 के ये RSI पे चल रहा है। दूसरी बात, इसके अलावा एक चीज और दिखाना चाहता हूँ आज की डेट में, तो आज की डेट में ये शेयर यहाँ पर भागता हुआ दिखाई दिया था 790 तक। 790 का मतलब क्या है, यहाँ पर अगर मैं आपको प्रीवियस क्लोज यहाँ पर दिखाऊँ, प्रीवियस क्लोज रिलेटेड कि ये शेयर कितना, लगभग लगभग 5-7% ही आज की डेट में भागता हुआ दिखाई दिया। और ये स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज से ही बता रहा हूँ कि यहाँ पर 11 अक्टूबर को जब इसके रिजल्ट है तो ये शेयर आपको अच्छे खासे रिटर्न दे सकता है। देखिए 4-5% भागने की कोशिश करी थी, और मैं आपको ज्यादा नहीं कह रहा हूँ कि 10% ही बात कर रहा हूँ, कि 850 रुपये तक ये शेयर जाता हुआ दिखाई दे रहा है 11 अक्टूबर तक। तो इसकी तरफ नजर बनाइए, और शायद इसमें और बेहतरीन जंप आ सकती है, और थोड़ा लॉन्ग टर्म भी प्ले करेंगे ना, यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो जाता है। यहाँ पर रिस्क की बात करें बिल्कुल भी ना के बराबर रिस्क, और हाँ यहाँ पर अगर बात करें प्रॉफिट यहाँ पर ज्यादा है, रिस्क कम है प्रॉफिट ज्यादा है, तो इस यहाँ पर इस प्ले को इस गेम को यहाँ पर खेल सकते हैं। ऐसे ही हमने यहाँ पर बात आप बताई थी कुछ दिन पहले आप्टस से रिलेटेड, आप्टस में भी क्या हुआ था, तो इसी लेवल पर ये शेयर आया था। ओके, 28 के RSI पे चल रहा था, मैंने आपको कह दिया था कि आपको अगर बाइंग करना है तो अपनी
पूरा पैसा मत लगाना। अगर आपको 10 शेयर खरीदने हैं तो आप यहाँ पर 5 शेयर यहाँ पर खरीद लीजिए। बाकी अगर हम ये बात करें, यहाँ पर किसी ने खरीद रखा है तो वो भी यहाँ पर बाय एंड डिप्स कर सके, क्योंकि 20% यहाँ पर RSI और आज की डेट में देखें तो लगभग 10% शेयर भागा भी है। तो इसी चीज को लेके अगर हम बात करें, कृष्णा डायग्नोस्टिक कल की डेट में अगर आप बाइंग कर लेते हैं, वैसे सलाह नहीं है बाइंग सेलिंग की, बट मैं आपको बता रहा हूँ मैं यहाँ पर कल बाइंग करने वाला हूँ, क्योंकि शॉर्ट टर्म में यहाँ पर 11 अक्टूबर को इसके रिजल्ट भी है और रिजल्ट एक पॉजिटिव इम्पैक्ट गेन दिखाते हुए दिखाई देते हैं। अगर गिरेगा तो इतने पर ही आके गिरेगा, क्योंकि यही इसका एक सपोर्ट लेवल नजर आता है। बाकी अगर भागेगा तो अच्छा खासा यहाँ पर भाग के अच्छा खासी रिटर्न दे सकता है। तो यहाँ पर बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करनी है। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करना है, इस वीडियो को लाइक करिए, दूसरे वीडियोज को जाके यहाँ पर डेफिनेटली देखिए, और हमारी किसी भी सर्विस से रिलेटेड अगर आपको जानकारी लेनी है तो यहाँ पर कॉन्टेक्ट करिए, आपको व्हाट्सएप नंबर पे सब कुछ डिटेल्स दे दी जाएगी। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।